हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, और जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे आप एलडीसी के एग्जाम को दीजिएगा, चाहे आप टीचिंग के किसी एग्जाम में बैठिएगा, या हरियाणा पुलिस या एचएसएससी के जितने भी एग्जाम है, क्लरिकल है या टीचिंग है या पुलिस के एग्जाम है, सब में ये टॉपिक 100% आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसको लोग लेट कराते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि पहले इंपॉर्टेंट चीजें पहले करा दूं, बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उन्हें बाद में देखेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलंकार का। अलंकार आप लोगों ने बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में खूब सुना होगा, पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोग जिस भी किताब को उठा के पढ़ने की कोशिश करें, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए और टॉपिक तैयार करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत आसान है, मेंटली फ्री होके बैठिए, कोई टफ नहीं है। हिंदी में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी अगर आप सुनेंगे, 20-25 मिनट की हार्डली क्लास है, आप सारी चीजें इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलंकार, देखिए, अलंकार अलम धनकार या अलम जमाकार, दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। इसका मतलब होता है गहना। जैसे गहने शरीर के सौंदर्य की को बढ़ा देते हैं, या शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जैसे गहने लोग पहनते हैं, ऐसे ही कवि लोग अपनी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ खास खास तरह के प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग अर्थों के साथ किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन कैटेगरी के हैं। देखिए क्या क्या है अलंकार। अलंकार मतलब गहना, आभूषण, कुछ भी मान लीजिए। एक अलंकार को हम कहते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है हमारा अर्थालंकार, और तीसरा है इन दोनों का मिक्सचर, जिसे कहते हैं उभयालंकार। मैंने अलंकार हर एक के साथ जोड़ दिया है, अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ तीन शब्द मैंने लिखे हैं। पहला शब्द लिखा है शब्द, फिर लिखा है अर्थ, और फिर लिखा है उभय। उभय का मतलब भी सब लोग जानते होंगे। उभय का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों के साथ चले। जैसे उभय जीवी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फ्रॉग है, टेडपोल है, ऐसे ये इसमें आते थे जो कि जल में भी रह सकते हैं और स्थल में। ऐसे ही हिंदी है, कुछ टफ नहीं है। उभयालंकार का मतलब है ऐसा अलंकार जिसमें शब्द का भी सौंदर्य हो और जिसमें अर्थ का भी सौंदर्य हो। शब्दालंकार में शब्दों की सुंदरता पर काम हुआ, अर्थालंकार में अर्थ की सुंदरता पर, और उभयालंकार में दोनों का मिक्सचर है, शब्द भी और अर्थ भी। अब ध्यान दीजिए, ये अलग अलग क्यों है। जो आप सबसे पहले देख रहे हैं शब्दालंकार, यहाँ शब्दों का सारा खेल रचा जाता है, और शब्द अगर बदल जाएंगे, अगर आप एक शब्द के बदले उसी का कोई पर्यायवाची यूज कर लेंगे, तो इसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रही हूँ। अगर कहीं पर जल लिखा है, आप अगर वहां पर पानी यूज करते हैं, तो ये वाला जो शब्दालंकार है ना, इसकी सारी ग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि शब्दालंकार सुंदरता शब्द के होने में है, अर्थ के होने में नहीं। इसको कवियों ने सेकेंडरी यूज किया, इसका गौण यूज किया, कम यूज किया गया। अर्थालंकार का मतलब है जहां शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्द का अर्थ, शब्द का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कवियों ने ज्यादा यूज किया है कविता के अंदर। जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि शब्दालंकार का यूज नहीं हुआ, लेकिन अर्थालंकार का यूज कवियों ने प्रेफरेंस के बेसिस पर किया, शब्दालंकार सेकेंडरी यूज किए गए हैं, अर्थालंकार पहली प्रायोरिटी पर रखकर कविताओं में यूज किए गए, उभयालंकार इन दोनों का मिक्सचर है। तो तीन चीजें हैं, शब्द पर आधारित, अर्थ पर आधारित, और दोनों पर आधारित। हम छह भेद पढ़ेंगे, मेन मेन छह या सात हैं जितने भी, वैसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, सारे नहीं आते, छह सात अगर आप कर जाते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसमें देखिए शब्दालंकार में तीन इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। शब्दालंकार की पहली कैटेगरी है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु का मतलब होता है पीछे या छोटा, जैसे अनुज होता है छोटा, जो भाई जो बाद में जन्मा, अनुज, अग्रज जो पहले जन्मा। अनु का मतलब है पीछे पीछे चलने वाला, यहाँ की सेंस में बात कर रही हूं मैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान आप कैसे करेंगे, आपको जो भी लाइन मिलेगी वहां लिखी हुई, आप ये देखिएगा कि अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है किसी भी व्यंजन की आवृत्ति इसमें बार बार होगी। आवृत्ति मतलब आना,
किसी भी व्यंजन, व्यंजन आप जानते होंगे स्वर और व्यंजन, क ख ग जो सारे हैं वो व्यंजन में आते हैं, किसी भी व्यंजन की आवृत्ति जब बार बार होगी, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो आप कहेंगे ये अनुप्रास अलंकार है। व्यंजन की बात हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही। शब्द अगर बदलेगा तो फिर अलग चीज में आएगा वो। व्यंजन की बात करें यहां, देखिए एग्जाम्पल मैं लिखती हूं, चमक गई, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। चपला बिजली को कहते हैं, बिजली की बात कर रहा है, कह रहा है चमक गई चपला चमचम। अब देखिए इसमें क्या क्या है, यहां भी च है, यहां भी च है और यहां भी च है। मैंने ऊपर लिखा है अनुप्रास की पहचान है व्यंजन की या व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर च च च की आवृत्ति तीन बार लगातार है, और उससे पहले गई से पहले आप ध्यान दे दो, यहाँ भी च जो वर्ण है ये आया है। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दो तीन बता दूंगी ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। एक है चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये सब आठवीं नौवीं में खूब सुना है आपने, पढ़ा। चारु चंद्र की चंचल किरणों में ध्यान दीजिए, यहाँ च च च बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है च की। ऊपर वाले में भी आप ध्यान से देखें तो च च च की आवृत्ति थी, ये क की भी हो सकती है, म की, किसी की भी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तरिणी तरिणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। अब यहां ध्यान से देखेंगे, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त बार बार, त त त एक ही व्यंजन की आवृत्ति, एक ही वर्ण बार बार आने पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनु का मतलब पीछे, तो अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार देखेंगे आप, वो म च का कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल आपके सामने तीन लिखे हैं। देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ किसी वीडियो को देखने से आपकी हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट तैयार होगा, बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, किसी भी वीडियो को देखने से तैयारी नहीं हो सकती। वीडियो का आप यूज कीजिए सिर्फ चीजों को क्लियर करने के लिए, जो आपके दिमाग में एक जो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, वीडियो सिर्फ उतना काम करेंगे। आपकी अपनी मेहनत के बिना बात नहीं बननी, किताबें उठाइए, किताबें सबसे अच्छी फ्रेंड है इंसान की, और जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें किताब का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि किसी यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ लेंगे और बात बनेगी, नहीं बनेगी। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूट्यूब चैनल के भरोसे मत रहिएगा, नहीं तो आप अपना चांस गवा देंगे। किताबें जरूर यूज करनी है। मैंने यहाँ तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं अनुप्रास के, व्यंजन की आवृत्ति बार बार। अगले की बात करते हैं, अगला है हमारा दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान है, यहाँ शब्द, अब मैं वर्ण नहीं कह रही हूं, व्यंजन नहीं कह रही हूं, यहाँ जो भी शब्द होगा ये शब्द बार बार आएगा, बार बार, अनेक बार, तीन बार, चार बार, दो बार, और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि एक शब्द एक बार आया, दो बार आया मतलब एक है, मतलब भी यहाँ चेंज होगा। तो शब्द बार बार आए और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आप सब लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा था, कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक दो बार हो गया ना, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक दो बार आया है और दोनों बार कनक का मतलब अलग है। सबको पता होगा एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा, जो कि एक तरह से ड्रग्स के रूप में लोग यूज करते हैं। तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक दो बार आया, शब्द बार बार और अर्थ भी भिन्न है। जब शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न हो तो ये यमक अलंकार की पहचान है। इसके अलावा देखिए, कहे कवि बेनी, इसको सुनिएगा, कहे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इसका पहले मैं अर्थ बता दूं ताकि ये याद रखना आसान रहे। एक कवि हैं जिनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी अपनी कविता में कह रहे हैं कहे कवि बेनी, कि मैं कह रहा हूं कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। एक महिला की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बेनी, बेनी मतलब होता है चोटी, कि महिला की चोटी इतनी सुंदर है, जैसे देखने में वो इतनी सुंदर लगती है जैसे किसी सांप का शरीर। यहाँ आपको एग्जाम्पल में दो किताबें अलग अलग बातें बताएंगी,
कहीं व्याल के लिए सांप शब्द यूज किया है और व्याल का ही एक पर्यायवाची शेर के लिए भी यूज करते हैं। तो जैसे शेर की पूंछ, अगर आपने कभी देखा हो मूवीज में और इन सब में मैगजीन्स में, शेर की पूंछ बहुत रोएदार और बहुत भारी भरकम सी होती है। तो वो जो बेनीपुरी जी हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं, एक महिला की चोटी ऐसी है जैसी व्याल से यानी सांप से उसने चोटी को चुरा लिया हो। तो बेनी बेनी दो बार आया, दोनों का मतलब अलग। एक बेनी राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमारे कवि हैं और एक बेनी का मतलब है चोटी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। इसका मतलब देखिएगा, तीन बेर खाती थी, बेर के यहाँ दो मतलब है, दो ही बार आया, दो अलग अलग अर्थों में। एक बेर का मतलब है बार, जैसे हम कहते हैं भाई कितनी बार ये काम करना है। मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है, सर कितनी बार सवाल लिखूं, बार मतलब कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ है तीन बेर खाती थी, एक औरत है जो तीन बार अपने दिन भर का भोजन लेती थी, सुबह दोपहर शाम, और वो खाती क्या थी, तीन बेर खाती है। हर एक डाइट में, सुबह वाले ब्रेकफास्ट में, दोपहर वाले में, शाम वाले में, वो सिर्फ तीन बेर, बेर जो फल है, बेर का जो फल हम भगवान को भी चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि पर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फल है बेर। तो वो कह रहा है कि तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, एक महिला तीन टाइम खाना खाती है और तीनों टाइम वो तीन तीन बेर खाती है। बेर मतलब फल, तो बेर के दो अर्थ हो गए, कितनी बार और एक फल के रूप में, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। यहाँ हमने क्या देखा, बेनी बेनी, एक बेनी राम वृक्ष बेनीपुरी जी और एक बेनी का मतलब चोटी। यहाँ हमने देखा, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब था धतूरा। तो इस तरह जहां शब्द आप पहचानने लगेंगे, देखिए सीधी बात यह है कि ये सिर्फ दो तीन उदाहरण से बात नहीं बननी, ये मैंने आपको एक मोटी बात बता दी कि आप इस तरह से पहचान कीजिए। अब ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, किताबें उठाइए, किताबों में से अलंकार का टॉपिक तैयार कीजिए और जितने एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना टॉपिक ज्यादा क्लियर होता जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख चुकी हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक और फेमस भी है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, करका मन का डारी के मन का फेर। इसमें कहा गया है कि माला फेरते फेरते पूरा पूरा जीवन इंसान का बीत जाता है। मालाएं जो वो घर में हम भगवान के लिए, बहुत लोग होते हैं ना 108 मोतियों वाली माला, उसको फेरते फेरते पूरा जीवन बीत जाता है। तो माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, मन में हमेशा लोगों के गड़बड़ चलती रहती है, वैसे वो भगवान की पूजा में लीन रहते हैं। फिर वो कह रहा है, करका मन का डारी के, कर मतलब हाथ, कि हाथ का ये मन का जो फेर रहे हो, ये जो मंत्र जप रहे हो, इसको डाल दो, एक साइड रख दो। करका मन का डारी के मन का फेर, यानी अपने मन से अच्छे काम करो, ये दिखावट जो मन का पकड़ा हुआ है, एक माला तुमने, और जो तुम ये मन के गिन रहे हो कि 108 बार हमने मंत्र बोलने हैं, इससे ज्यादा अच्छा है मन के में अच्छी अच्छी चीजें भर ली जाए। तो इस तरह मन का जो है बार बार आ रहा है, हर बार मतलब अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं बेर आ रहा है, बेर के मतलब है एक फल और एक बार। ऐसे ही आपने देखा बेनी के भी दो अर्थ हैं, एक चोटी और एक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ऐसे ही आप देख रहे हैं कनक कनक के भी अलग अलग अर्थ है। एक शब्द बार बार आए, देखने में सेम हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, यहाँ देख कर पहचान जाइएगा, ये यमक अलंकार की पहचान है। अनुप्रास क्या था, जिसमें व्यंजन की आवृत्ति हुई थी, व्यंजन की आवृत्ति, और यमक में किसकी आवृत्ति होगी, शब्द की। शब्द मीनिंगफुल होते हैं, व्यंजन मीनिंगफुल नहीं होते, च म ट त कुछ भी रिपीट हो सकता है, वो है अनुप्रास। तीसरे अलंकार की बात करते हैं, श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जैसा नाम है वैसा ही अलंकार है। इस अलंकार की पहचान होगी आपको तब जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में चीज पकड़ में नहीं आती, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देती हूँ, किताबें उठाइएगा, फिर आपकी पूरी समझ में आएंगी बात। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। यहाँ एक शब्द एक बार आएगा, कोई भी एक शब्द जो मीनिंगफुल होगा, कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो उसी एक बार आने के बावजूद। दोबारा सुन लीजिए, ऊपर वाले में यहाँ क्या हुआ था, शब्द बार बार आया था, अर्थ भिन्न भिन्न था। यहाँ ये कह रहे हैं शब्द एक बार आएगा
लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होगा। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल इसमें लिख देते हैं, हे प्रभो हमें दो जीवनदान, हमें दो जीवनदान। ये जीवनदान के दो मतलब हैं। एक आदमी मरने की कगार पर बैठा है और उसको लग रहा है कि भाई जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पाया। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पूरा जीवन भाग दौड़ में निकल जाता है और जब लास्ट टाइम आता है ना इंसान के जीवन का, तब उसे लगता है कि मैंने शायद जिंदगी जी ही नहीं है। और तब वो भगवान से कह रहा है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, अपने जीवन की भीख मांग रहा है, अपने जीवन की कुछ घड़ियां और मिल जाए इस चीज की प्रार्थना कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, किसी इलाके में लंबे टाइम से मॉनसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, वहां के लोग कह रहे हैं कि हे भगवान हे प्रभु हमें दो जीवन दान। यहां जीवन दान आप समझ जाइएगा, पानी की गुहार लगा रहे हैं, वर्षा की गुहार लगा रहे हैं भगवान से। तो दो तरह के लोग हैं, एक अपने जीवन की गुहार लगा रहा है और एक पूरी सोसाइटी के लिए कि पानी बरस जाए, मॉनसून की हवाएं यहां तक पहुंचे और बारिश यहां पर हो। तो हे प्रभु हमें दो जीवन दान, जीवन दान के दो अर्थ है। शब्द एक, अर्थ चिपका हुआ। चिपका हुआ किसमें होगा? श्लेष में। इसके अलावा देखिए एक और है, मंगन को देख। मंगन मतलब मंगता, जो मांगने आते हैं, जो बाबा जी टाइप के बहुत सारे लोग गांव में आते रहते हैं, शहरों में भी आते रहते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। यहाँ पट के दो अर्थ हैं। एक पट का मतलब है कपड़ा। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक औरत है, जैसे ही कोई देखा मांगने वाला आ गया, उसको देखते ही फटाफट, दानी टाइप की औरत है, भाग के अंदर गई, कोई कपड़ा जो उनके यूज का नहीं था या कोई नया कपड़ा लाके उसने दान कर दिया। एक ये महिला है। एक दूसरी महिला है, जैसे ही देखा कोई मंगता आ गया तो सोच रही है रोज का काम है, रोज मंगते आते हैं, किस किस को क्या क्या देंगे, फटाफट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ पट के दो अर्थ निकले, एक दरवाजा और एक पट है कपड़ा। दोनों उल्टी बातें हैं। एक औरत तो देखते ही दरवाजा बंद कर रही है, दान नहीं देना चाहती, और एक औरत जैसे ही मंगते को देखा भाग के कपड़ा दान कर दिया। तो दो एक शब्द के दो अर्थ निकल आए। जहां शब्द एक हो, अर्थ चिपके हुए हो, वहां श्लेष अलंकार है। एक दो और देख लेते हैं इसी तरह के। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, बहुत बार देखा जाता है एग्जाम में। एक औरत है जिसका हस्बैंड जो है, उसका पति कहीं विदेश में जाता है कमाने के लिए, और उसका बेटा उस टाइम 12-15 साल का था, जवान होता बच्चा था, उसको भी ले जाता है। और फिर 5-10 साल बाद वो कमा के वापस आता है दूसरे देश से। तो वो औरत अपने पति को आया देख के बड़ी खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि मेरा बेटा नहीं आया साथ। तो अपने पति को वो कह रही है, विपुल धन, बहुत बड़ा धन का भंडार, अब इतने साल बाहर रह के आया, पैसा कमा के आया। तो कहती है, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, कि तुम आए हो, अपने हस्बैंड से बात करे कि तुम आए हो, तुमने पूरा ढेर लगा दिया, इतने रत्न इतने धन तुम साथ ले आए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। तो वो औरत अपने बेटे को जब नहीं पाती है पति के साथ, तो उसके मन में संशय होता है, थोड़ी चिंता होती है, और वो कहती है, इतने धन के तुम भंडार ले आए, लेकिन मेरा बेटा जो तुम साथ लेकर गए थे, बताओ वो कहाँ है। एक बात। दूसरी बात, लाल का जिक्र हो रहा है यहाँ। लाल, एक लाल का मतलब पुत्र। इसको दूसरी तरीके से देखें, महिला जब उसका हस्बैंड, जब उसका पति बाहर जा रहा था विदेश यात्रा पर कमाने के लिए, तो उसने कहा था कि मेरे लिए भी जब आप वापस आओगे तो कोई कीमती, बहुत बेशकीमती कोई पत्थर है लाल रंग का, वो लेकर आना। अलग अलग तरह के बहुत कीमती पत्थर आते हैं, आम लोगों को नहीं पता होते हैं, यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बेशकीमती पत्थर, कोई हरे रंग का, कोई नीले रंग का, कोई लाल रंग का। तो वो अपने हस्बैंड के इतने लंबे टाइम लौटने के बाद कह रही है कि विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, बता दो प्रियतम मेरा लाल कहाँ है। अपने उस कीमती पत्थर की डिमांड कर रही है कि इतने तुम धन और ये ढेरों सामान ले आए, लेकिन वो लाल, खास वो लाल पत्थर जो मैंने तुम्हें कहा था, वो क्यों नहीं लाए। तो यहाँ लाल के दो अर्थ, एक पुत्र और एक यहाँ पर कीमती पत्थर, कोई कीमती पत्थर, बहुत महंगा पत्थर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ शब्द आया एक बार, लेकिन अर्थ हैं अलग अलग। एक एक्सेप्शनल केस की मैं बात करूंगी। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। दोबारा सुन लीजिए, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी यहां पर बार बार आप देख रहे हैं पानी शब्द आ रहा है, पानी, लेकिन इस पानी की खासियत है
ये पानी देखने में बार बार आ रहा है और गलत फहमी पैदा करेगा कि ये हो ना हो यमक का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ध्यान रखना इसको सुंदरता सिर्फ भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस पानी का यूज बार बार किया गया है। एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको श्लेष टिक करके आना है। कुछ चीजों के हमेशा अपवाद होते हैं, वो ध्यान से पढ़ के जाने चाहिए। ये रहीमन पानी जैसे ही आ जाए तो एकदम से दिमाग अलर्ट हो जाए कि यमक नहीं है, ये श्लेष में टिक करना है। मैंने आपको तीन अलंकार समझा दिए, तीनों शब्दालंकार हैं, सारा खेल शब्दों का है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अनुप्रास की पहचान है एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, कोई भी वर्ण हो सकता है, उस वर्ण की आवृत्ति हर एक शब्द में बार बार होगी तो अनुप्रास अलंकार। जब एक शब्द कई बार आए और हर बार अर्थ भी अलग हो तो यमक अलंकार। जब एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग दे जाए तो वहां पर चिपका हुआ है अर्थ साथ में एक शब्द में, यह है श्लेष अलंकार। तीनों अलंकार इंपॉर्टेंट है, किताबों से पढ़ेंगे आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे। अगर आपका एक बेस तैयार होगा तो आपको वो सारे एग्जाम्पल्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे। चीजों को कोशिश कीजिए रटना ना पड़े, वो समझ के अगर आगे बढ़ा जाता है तो सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। अगर चीज समझ में आ गई, रटेंगे तो कितने एग्जाम्पल रटेंगे, रटना पॉसिबल नहीं होता। हमने पहली कैटेगरी पूरी की, दूसरी कैटेगरी आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब ऐसा अलंकार जिसमें सारा खेल है अर्थ का। यहाँ पर्यायवाची शब्द भी यूज हो सकते हैं। इसमें मेनली तीन तरह के अलंकार आते हैं। पहले का नाम है रूपक अलंकार, दूसरे का नाम है उपमा अलंकार और तीसरे का नाम है उत्प्रेक्षा। ये तीनों एक जैसे हैं, बहुत कम अंतर है, ये लगभग लगभग तीनों एक जैसे हैं। बस एक बार ध्यान से समझिएगा, तीनों यहाँ बैठे बैठे तैयार। इसको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, दो चीजें ध्यान से सुनना। एक हिंदी में यूज करते हैं उपमान का और एक यूज करते हैं उपमेय का। जितनी किताबें उठाओगे ना सब में लिखा मिलेगा, उपमान में उपमेय का अभेद आरोपण हो, उपमान उपमेय में सादृश्यता हो, उपमान में उपमेय के आपस में जो है कल्पना की जाए। बड़ा कंफ्यूजन, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, उपमान का मतलब है कोई भी प्रसिद्ध चीज, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है, और उपमेय कोई भी आम चीज जिसके जिसके साथ, जिसके बारे में आप किसी बड़ी चीज को कंपेयर करेंगे ना, कोई भी छोटी चीज, उस छोटी चीज को जो प्रसिद्ध नहीं है उसे कहते हैं उपमेय। और जो फेमस चीज है वो प्राणी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी वस्तु। एक एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मैं लिखती हूं चंद्र खिलौना। अब देखिएगा, चंद्रमुख का मतलब है मुख। मुख तो सबके ही हैं, जितने लोग लिविंग हैं हम सब, अगर अपनी बात करें प्राणी के, जानवर के, पक्षी के, हर किसी का मुख है। लेकिन यहां मुख को कह रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा, यहां पर चंद्रमा फेमस चीज है और मुख एक आम चीज है। जो फेमस चीज है वो उपमान है, और जिसके जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये उसकी तरह है, ये है हमारा मुख। मुख यहाँ उपमेय है। यहां देख लीजिए, चंद्रमा हमारा उपमान है और खिलौना उपमेय है। उपमेय कोई भी साधारण चीज होगी, कोई भी आम चीज होगी, कोई भी नॉर्मल चीज होगी। उपमान बड़ी चीज है, कोई भी प्रसिद्ध प्राणी हो सकता है, वस्तु हो सकती है। ठीक है, अब ये बार बार मैं यूज करूंगी शब्द तो समझ जाना। उपमेय फेमस जो नॉर्मल चीज है उसके लिए, और उपमान जो बड़ी चीज है। क्यों बताया? क्योंकि इन तीनों में ये वर्ड्स बार बार आएंगे। पहला देखिए रूपक। रूपक क्या होता है? जब किन्हीं दो चीजों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी हो, इतना ज्यादा उन दोनों में आपस में कोई अंतर ही ना नजर आए, जब एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, ऐसा का ऐसा कह दें। जैसे मैंने अभी लिखा था, इसको अगर लाइन में पढ़ेंगे तो एक बच्चा है जिसने चांद को देखा है। छोटे से बच्चे ने शायद आपने कहानी सुनी हो, और वो माँ को कहता है कि माँ मुझे वही खिलौना चाहिए। तो बच्चा कहता है मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। बच्चा क्या जिद कर रहा है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए खिलौना, खिलौने के रूप में नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूट नहीं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां आप ध्यान देंगे, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में चाहता है, इससे कम को नहीं। चंद्र खिलौना,
ऐसे ही बहुत सारे, जैसे चंद्रमुख मैंने लिखा था अभी अभी, चंद्रमुख, तो यहां मुख इतना सुंदर है कि उसको चांद जैसा नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि मुखड़ा ही चांद है, चंद्रमुख है। इसको देखो, इसके साथ इसको भी समझ लेना। उपमा में क्या होता है, उपमान और उपमेय में सादृश्यता है, दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन उस सिमिलैरिटी को हम कुछ शब्दों से खास बयान करेंगे, जैसे सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस, समाना, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे किताबें जब आप उठाएंगे। दो चीजें हैं लेकिन दोनों चीजों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है कि एक चीज को दूसरे के साथ कह दें, यहाँ कंपैरिजन चलेगा। देखिए जैसे कुछ कॉमन से एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में आते हैं बता दूं मैं, बातचीत अगर कर रहे हैं तो यहाँ मैंने लिखा चंद्र खिलौना, यहाँ अगर इसी से एग्जाम्पल उठाऊं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चांद को खिलौना कह रहे हैं, यहाँ हम कहेंगे चंद्रमा के जैसा खिलौना। अब मैंने जैसा शब्द यूज कर लिया ना, जहां सा सी से आएगा वो उपमा अलंकार है। अगर इसको शब्दों में, शब्दों की जगह वाक्यों का यूज करूं और फेमस बातों का, तो एक बड़ा फेमस है, दो चीजें सुन लीजिएगा। एक है यह देखिए, किसी को बात करते हुए कह रहे हैं यह देखिए अरविंद से, अरविंद फ्लावर के लिए यूज करते हैं, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद से शिशु वृंद, बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं, छोटे छोटे 6-6 7-7 महीने के बच्चे, तो उनको देख के कोई दूसरे को कह रहा है यह देखिए, ये देखो अरविंद से शिशु वृंद, जो ये बच्चे सोए हुए हैं, वृंद मतलब ग्रुप, गुच्छा, ग्रुप, तो जो कुछ ये बच्चों का ये जो ग्रुप सोया हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, इनको वो कह रहा है कि ये बच्चों का जो समूह है ये अरविंद से है। फ्लावर जितने खूबसूरत, बच्चे कितने मासूम, कितने साफ दिल के होते हैं, उनके लिए यूज किया गया यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद फूल, फूल के जैसे हैं बच्चे, बच्चों को फूल नहीं कहा, बच्चे फूल के समान हैं, से आ गया। एक और देख लीजिए, एक बहुत छोटी बच्ची है जो जिसकी डेथ हो जाती है, छोटी सी बच्ची, बहुत मासूम सी बच्ची एक्सपायर हो जाती है, तो उसके लिए कहा गया है हाय, दुखी होके कह रहे हैं हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, तो दुख मनाते हुए कह रहे हैं हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहां ध्यान दीजिए, फूल नहीं कहा, फूल सी कोमल है, यहाँ फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया से शब्द से, तो जहां आपको सा से सी सदृश समाना ये शब्द मिलेंगे, आप बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं उपमा। उपमा और रूपक में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या अंतर है, अगर किसी चीज को इतना ज्यादा सिमिलैरिटी से देखा जा रहा है कि उपमान उपमेय में अभेद आरोपण है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे कोई कहे कि बड़े नॉर्मल से आप आम जिंदगी में देखेंगे एग्जाम्पल यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बेटा शेर है, बेटा शेर है, अब देखिएगा कोई कहता है मेरा बेटा शेर है, बेटे को सीधा शेर कह दिया, दूसरा तरीका होगा मेरा बेटा शेर की तरह ताकतवर है या शेर जैसा है, शेर नहीं है शेर जैसा है, जहां ये शब्द जैसा आ गया या सा आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए, सम आ जाए, समाना आ जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। और अगर कह रहे हैं मेरा बेटा शेर है तो वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, इतना ज्यादा सिमिलैरिटी है कि उपमान उपमेय में अभेद आरोपण है, सेम कह दिया कि मेरा बेटा शेर है। यहां देखिए से, जहां से आएंगे वो उपमा है, जहां चंद्र खिलौना चंद्रमुख ऐसे आएंगे उन सब में रूपक है, रूपक में सा से सी नहीं मिलेंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा और देख लीजिए, उत्प्रेक्षा भी इसी कैटेगरी का है, उत्प्रेक्षा में उपमान और उपमेय में कंपैरिजन नहीं करते, कल्पना करते हैं, और यहां कुछ खास शब्द आपको मिलेंगे, मानो मनु जानो जनु और जनहू, ऐसे ही मनहू, ऐसे ही मनो, यहां पर जनो, ऐसे शब्द बोधक शब्द हैं, जहां आपको दिख जाए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां आपको ये शब्द दिख जाए बिना सोचे समझे आप उत्प्रेक्षा टिक कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा में ये शब्द बोधक शब्द हैं, यहां
कल्पना की जाती है, उपमान और उपमेय में कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है। यहां क्या हुआ था, उपमान और उपमेय, उपमान मैंने अभी बताया ना फेमस चीज, और उपमेय जो कम फेमस है, नॉर्मल बात है। उपमान और उपमेय में अभेद आरोपण, एक बता दिया तो रूपक है। उपमा में उसको कंपेयर करेंगे, सा सी से सदृश समाना, इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे। और उत्प्रेक्षा में ना तो कंपैरिजन है और ना इतनी सिमिलैरिटी है कि उसको वही कह दें, कल्पना करेंगे। मानो मानो मैं एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको। कहती हुई उत्तरा के, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कणों से मानो पूर्ण हो गए पंकज नए। यहाँ पे उत्तरा का जिक्र है, माइथोलॉजी में आपने उत्तरा का नाम सुना होगा। उत्तरा जब बात कर रही है तो उसका हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ है, तो कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उसकी आंखों में पानी, जैसे बातचीत कर रही है तो आंखें डबडबा आई, आंखों में पानी भर गया, उसको कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कल्पना के साथ, वो सासी वाले नहीं है। कह रहे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए मानो, तो जहां आपको शब्द दिख जाए मानो या मनु या मनहु या जानो या जनहु, इस टाइप के बोधक शब्द, वहां आप बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा टिक कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा में, रूपक में और उपमा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इन तीनों में उपमान और उपमेय का यूज करना है। उपमान फेमस चीज कहती है, फेमस चीज को, उपमेय कोई भी नॉर्मल चीज। जब आप उपमान और उपमेय को एक बना देंगे, अभेद कोई डिफरेंस ना हो, तो रूपक अलंकार। जब आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे, सा सी से सदृश सम समाना सम, ऐसे में आएगा उपमा अलंकार। और जहां पे इन दोनों को, उपमान और उपमेय में कल्पना कि मानो ऐसा हुआ, मानो, जहां मानो शब्द आ गया, मनहु मानो, इस टाइप के सारे, ये सारे आएंगे उत्प्रेक्षा में। ठीक है, ये छह अलंकार हैं। एक लास्ट हमारा बच गया जो इन सबसे अलग है और बड़ा आसान है पहचानना, इसका नाम है अतिशयोक्ति। अलग से मैं लिख देती हूँ, छह मैंने करा दिए, तीन वो तीन ये छह, हम सातवां पढ़ के जाना है हमें एग्जाम के लिए, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब बात। आज से बहुत साल पहले जब ये मान लीजिए राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम में जो पहला काल था हिंदी साहित्य का, जैसे हम कहते हैं आदिकाल, आदिकाल में चारण और भाट कवि हुआ करते थे, जिनका मेन टारगेट था, जिनके अधीन, जिनके अंडर वो रह रहे हैं, उनकी झूठी बड़ाइयां करना। चारण और भाट कवि खासकर अतिशयोक्ति अलंकार का यूज करते थे। आज भी गांव में, बहुत सारे गांव में भाट लोग आते हैं, और कभी आपने अगर देखा हो अपने पूर्वजों से, आप पूछ सकते हैं दादी से, उनके पुराने लोगों से, भाट लोगों का काम यही होता है, वो आएंगे और गांव में हर एक परिवार का पूरा एक पोथा बना के रखते हैं, कौन कहाँ से आया था, उसके पड़पोते पोते, फिर उनकी शादियां, सारा ब्यौरा आपको अपने परिवार का पूर्वजों स्टार्टिंग से ये लोग प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे ही अतिशयोक्ति का यूज किया गया है, आधुनिक कवियों ने भी इसका यूज किया है। अतिशयोक्ति की पहचान है जहां ऐसी बात बताई जाए जो पॉसिबल ना हो, जैसे बात इतनी बढ़ा देंगे कि वो नॉर्मल जिंदगी में हो ही नहीं सकती, वहां ये अलंकार मिलेगा। एक आधा एग्जाम्पल शायद अपने बचपन में पढ़ा होगा, याद होगा, एक तो हनुमान वाला फेमस था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निसाचर भाग। वो कह रहे हैं कि हनुमान ने, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले लंका जल गई। ये पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी लंका, लंका आज की श्रीलंका ही तो थी, इतने बड़े देश को, इतने बड़े एरिया को जलाने के लिए पूंछ में आग भी नहीं लगी तो कैसे लंका जली। लगी तो होगी ना, आग तो लगी होगी, ये अलग बात है कि सारी पूंछ नहीं जली, लेकिन ये अतिशयोक्ति है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एक एग्जाम्पल ये, दूसरा महाराणा के बारे में है, जब तक राणा ने सोचा, इस बार एक युद्ध में लड़ाई में फंस गए थे, तो राणा, राणा सांगा की बात हो रही है, महाराणा प्रताप से जो पिछली पीढ़ी के थे, तो राणा सांगा यहाँ पे जब फंस जाते हैं एक युद्ध में, तो जैसे वो लोग युद्ध के दौरान एक नदी को क्रॉस करना था और वो अपने घोड़े पे बैठे हुए थे, चेतक उनका फेमस घोड़ा था, महाराणा प्रताप का था वो, राणा सांगा इनके दादा थे। तो वो जब सोच रहे हैं कि कैसे नदी को क्रॉस किया जाए, बहुत बड़ी चौड़ी गहरी नदी है, तो इसके लिए कहते हैं, जो लिखते हैं कवि, कि जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, एक घोड़ा सोचने से पहले कैसे क्रॉस कर गया, ये तो इम्पॉसिबल बात है। लेकिन अपनी बखान करने के लिए कवियों ने राजाओं के बारे में इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार का खूब यूज किया है। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक तो ये हुआ राणा वाला, एक हनुमान वाला। तीसरा, सभी लोगों ने किस्सा सुना होगा सुदामा और कृष्ण का।
सुदामा अपने फ्रेंड के पास आते हैं बहुत लंबे टाइम बाद, जब वो बहुत अमीर राजा बन जाते हैं और सुदामा बेहद गरीबी में जीवन काट रहे हैं, तो उनकी पत्नी कह सुन के उनको भेजती है कि आप जाइए और आपका दोस्त इतना बड़ा राजा है तो आप उनसे जाके थोड़ी मदद मांगिए। तो लंबा सफर तय करते हुए जब सुदामा आते हैं, तो ये पुराने टाइम में एक ये कह लीजिए एक तरह की रीति थी कि कोई उस टाइम में कोई ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, पैदल चल के जाते थे। तो पैदल चल के जो भी मेहमान आता तो उसको बैठा के उसके पैरों को धोया जाता था ताकि वो रिलैक्स्ड फील करे। आजकल लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, तब ऐसे लोकल जो अपना एरिया था वहां ऐसे पैर धोए जाते थे। तो जैसे ही वो आता है चल के सुदामा, तो श्री कृष्ण भगवान इतने ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं, इतने खुशी से उनके इतने आंसू निकलते हैं कि वो उस परात को साइड कर देते हैं कि हाथ से उस परात को भी टच नहीं करते और अपने आंखों से ऐसी अश्रु धारा बहाते हैं, ऐसा आंखों से इतना पानी निकलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने बिना परात को छुए और अपने उस दोस्त के पूरे पैरों को धो दिया। ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कितने आंसू निकालेंगे जो पूरे पैर धुल जाएं, इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी भी बड़े इंसान की बड़ाई करते टाइम इस अलंकार का यूज हमेशा किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो अतिशयोक्ति एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के जो बातें कही जाएं जो पॉसिबल नहीं होती, उस अलंकार में अतिशयोक्ति टिक कराना। ठीक है, ये मैंने आज आपको 7 अलंकार करा दिए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई नहीं, 5 मिनट एक बार रिवीजन पे और देते हैं। हमने अलंकार पढ़ा गहना। 3 तरह के अलंकार हैं। एक है शब्दालंकार, जहां शब्दों का खेल है, उसमें मैटर ये करता है कि आप शब्द सही यूज करें, पर्यायवाची यूज ना करें। 3 तरह के अलंकार उसमें हमने पढ़े। अनुप्रास, जिसमें किसकी आवृत्ति, व्यंजन की, किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति। इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा यमक। यमक की पहचान, शब्द रिपीट होगा जिसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा हमने पढ़ा श्लेष। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, वहां एक शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग देखे जाएगा। अपवाद स्वरूप मैंने बताया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये देखने में लगेगा यमक, लेकिन ये टिक करके आना है श्लेष में। इसके बाद हमने पढ़ा अर्थालंकार। 3 मेन अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तीनों में 2 चीजें याद रखनी है, उपमान और उपमेय। उपमान कोई भी प्रसिद्ध चीज होती है, उपमेय कोई भी छोटी मोटी चीज। जब उपमान और उपमेय इतने ज्यादा सिमिलर है कि उपमेय उपमान का पता ही ना चले, अभेद आरोपण हो, तो रूपक, चंद्र खिलौना, मेरा बेटा शेर, कंपैरिजन नहीं है। और जहां आप लोग कंपेयर करेंगे, सा सी से, सदृश सम, सादृश्यता, समाना, इस टाइप के सारे वर्ड्स आएंगे जहां आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। रूपक में कंपेयर नहीं कर रहे, आपने अभेद आरोपण कर दिया। और उत्प्रेक्षा में उपमान उपमेय में कल्पना की जाएगी, मानो मनहू जानो जनहू बोधक शब्द है। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ये इतना तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आप जो भी किताब उठाएंगे ना, अब आपको किताब से पढ़ना दिक्कत नहीं लगेगा। बिना किताबों के तैयारी कभी नहीं हो सकती, किताबें सबसे अच्छी दोस्त है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा किताबें आप पढ़ सके, अलग अलग टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप सबकी समझ में आ जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आप लोग एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, गुड नाइट।